तो हमारी जो कबूतरी थी जिसको हमने एक दो हफ्तों से बंद करवा था और अब उसने शुक्र जाके अब अंडा दिया दिखाया सामने वाले वो बैठ ही नहीं रही थी कल फिर उसको आज नर बैठा है अंडे पे वो वाली नीचे वाली पेटी में वहाँ बैठी हुई है अभी मैं आपको और ये सारे कबूतर हैं हमारे काले वाले को अभी हमने ओपन कर दिया हमने बोला जा रहा है तो चले जाए नहीं जाता तो नहीं जाए इस इनको उड़ाते वहीं बैठ गया सारे मैं आपको दिखाता हूँ अंडे सर जान ऊपर करना था इसको ढका हुआ था वो इसलिए क्योंकि कबूतरी अंडों पर नहीं बैठ रही थी तो हमने बोला ढक देते हैं ये रही कबूतरी और इसका एक अंडा लेकिन दिख रहे आपको दो होंगे देखिए दो अंडे हैं एक जो यहाँ पर रखा हुआ था काले वाले का वो दो रखे हुए थे काले वाले के एक हमने रख दिया है कबूतरी के नीचे जिसमें फुल बच्चा था बन रहा था और एक जो था वो ऐसी था तो हमने उसके नीचे रख दिया वो अब वो तीन अंडों पर बैठी हुई है और ये तीन अंडों पर बैठी हुई है और लालन शिराजी ने अभी दूसरा अंडा नहीं दिया हमने पिंजरे की सेटिंग चेंज कर ली थी और हमारे बेचारे पतले वाले पट्टे को भी उन्होंने खा लिया चूहों ने बेचारा वहाँ उस पेटी में पड़ा हुआ था सुबह से हमें दिखा ही नहीं था तो हम आए फिर हमने देखा तो वहाँ पेटी में पड़ा हुआ था एक पर उसका बाहर था और एक पर बाकी आधा हिस्सा उसका खाया हुआ था पूरा बाकी हमारे सारे पिजन से उसके बहुत चला के जैसे ही मैं हाथ लेके जाया था पेटी के अंदर तो ये मार जाता और बाकी हमारे अंदर वाले का कबूतर है वो बेचारी खाल तोड़ नहीं सकती क्योंकि उसका पर का मसला है और ये कबूतर का बच्चा और दूसरा वाला बाहर है बाकी ये और वो वाली कबूतरियों में मिली भी नहीं पट्टे को इतनी बुरी तरह खाया हुआ था पूरा खून खून दिख रहा था उसका कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी अब उड़ाते हैं हम इन सबको ये सब तो नहीं है दो ही हैं खाली हमारे नेबर के बाद उतर जाएगा इस साइड से उड़ाओ चलो पल तो चुका है हमारा क्योंकि अभी ये उड़ा था वहाँ इतनी दूर दूर से आ रहा था फिर आकर वापसी बैठ गया था हमने हमें डर था कि चला ना जाता अच्छा कबूतर है और वो अंडों पर बैठी हुई वो दूसरा अंडा भी देगी और फिर तीन अंडों पर वो बैठी हुई होगी तीन अंडों पर वो बैठी हुई होगी वाली कबूतरी हमें नहीं मिली है जो भागी थी और ये हमारा टक्का पर भी है इसके पिंजरे में भरपूर दाना डाला है बहुत सारा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं भाई माशाल्लाह भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसकी पूंछ भी आ रही है दिखाओ सब फैन ये देखें इसकी पूंछ भी आ रही है छोटी छोटी और ये हमारे चिक्स हैं और इनको हमने पानी भी रखा हुआ है कि पानी पी लें क्योंकि इनके पिंजरे में बड़ी कटोरी तो जा नहीं सकती और ये नीचे से गर्दनें निकाल दें फिर चला को मार रहे ये हमारे मुर्गा मुर्गी हैं इनको वो देखिए मुर्गा कैसे बैठा हुआ है कोने में घुसकर इसको कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है आप लोग को लगता होगा लेकिन है बिल्कुल ठीक है ऐसे ही बैठा रहता है बस और हम इनको खोलते हैं मुर्गा मुर्गी को और अपने चिक्स को भी खोलते हैं हमारे सारे चिक्स निकल गए और मुर्गा मुर्गी भी बाहर आने के लिए बेताब हो जा रहे हैं तो उनको भी निकाल ही देते आ जाओ ये खुद ही आ जाएगा मुर्गा भी और ऐसे घूमते माशाल्लाह इतने प्यारे लगते हैं ऐसा लगता है बड़े बड़े मुर्गा मुर्गी सारे और ये मुर्गी और इस मुर्गे को हम लेकर गए थे कल बाहर गली में हमने इनको खोला था और ये खेल रहे थे बड़ी आराम से काला वाला भी आ गया और ये वाले ये दोनों भी आ गए
अब कबूतरी हमने कैंडलिंग भी करी थी उनके अंडों की, कबूतरी के और काले वाले के, एक में नहीं था बच्चा और एक में बन रहा था, तो हमने जिसमें बच्चा बन रहा था वो उसके कबूतरी के नीचे रख दिया, उसके भी माशाल्लाह से दोनों बच्चे बने और बच्चा हिल भी रहा था अंदर, मूव भी कर रहा था, तो हमने तीनों अंडे रख दिए, अब इंशाल्लाह उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। और ये हमारे बजीस हैं, भुट्टा खा रहे हैं बड़ी आराम से मज़े से। और हमने चूहों के मारने की दवाई भी रख दी है नीचे जहाँ चूहे आते हैं ज़्यादातर होते हैं, और तोती हमारे अंडे भी दे रही, हमने दवाई रख दिया, इंशाल्लाह चूहा उससे मर जाएंगे। अभी हम इनको उड़ा देते हैं, नहीं जाएगा वापस यार। और ये हमारी नेबर्स के कबूतर हैं सारे, और अभी एक कावली कबूतर आया था यहाँ पर आकर बैठा था, तो फिर अचानक से अरहम आया पर हमने देखा तो अरहम कबूतर खोलने लगा सारे, फिर वो डर के मारे उड़ गया था वहाँ से। और ये लोग पालक लेकर आए, तो क्या बता रहे थे फूल जख्मी है, जख्मी नहीं है कुछ और है, कुछ लगा हुआ होगा, दिखाओ एक लोग ये लो, देखो कैसे चलते हैं सारे, ले भी गए ना फेंकने से सारे, डाल दो इनको और बजीस को भी डाली थी, इनको डालो एक और हल्का सा चूरा करके ना इनको भी डाल, इसको भी डाल दो बत्तख को। और हमने अंदर से पिंजरा पूरा पैक कर दिया ताकि चूहा अंदर घुस ना सके, हमने वहाँ पे वो एक तख्ता लगाया, फिर हमने आगे पेटियाँ लगा कर ब्लाक लगा दिए कोनों कोनों पर, क्योंकि बहुत नुकसान कर रहा है चूहा हमारे, बार बार खाए जा रहा है हमारे किसी चीज़ को, कभी खा रहा है और कबूतर का बच्चा भी उसने खाया था। और इनको पालक खिला रहे हैं और ये भी खाता है भाई, डाल देते हैं ये भी खाता है, और बाकी हमारे ये तो बहुत ही शौक से खाते हैं हमारे मुर्गा मुर्गी और चिक्स, इतनी शौक़ से खाते हैं कि उस कल आज सुबह मनाल लेकर आ रही थी पालक सीढ़ियों से, फिर अचानक से ये सारे नीचे उतर गए सीढ़ियों पे, फिर मनाल को डर लगा उसने सारी पालक फेंक दी और ये नीचे उतर के खा रहे थे। हमने छत की सफाई भी करी है और रात में हम सारी चीज़ों को सही से पैक करके जाते हैं कि कहीं चूहा या बिल्ली कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और अभी भी दोपहर में बिल्ली ऊपर आ रही थी, ये दाना खाते ही नहीं, दाना बहुत कम खाते हैं। और ये जो वाला कबूतर है हमारा जो दाना खा रहा है ये भी पड़ ला रहा है, और ये भी उड़ेगा बहुत जल्दी, और वो बैठ ही नहीं अंडों पर, ये बैठा था दोपहर के टाइम, अभी तो शाम हो रही है, दोपहर के टाइम बैठा था, अब वो बैठ नहीं रही अंडों पर, पता नहीं भाई अंडे देते हैं बैठते ही नहीं है ये। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।